अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर रिस्वान है। आई एम द सीईओ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कंसल्टेंसी और मैं आज एक बहुत ही सैड इंसिडेंट जो कि 23 मार्च 2024 को फैसलाबाद में पेश आया उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाना चाहती हूँ और उस पर थोड़ा सा तबसरा भी करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही सैड इंसिडेंट है और इसको ये जो पतंगबाजी है जिसमें एक 22 साल का लड़का फैसलाबाद में जिसका नाम आसिफ है बहुत ही बुरी तरह से उसकी गर्दन को काटती हुई पतंग जो है पतंग की जो डोर है जानलेवा डोर वो गुजर गई और उससे उस लड़के की डेथ हो गई। ये अल्फाजों की हद तक कह देना तो मेरे ख्याल में आसान होता है लेकिन इस वक्त उस फैमिली पे क्या बीत रही है ये वही बता सकते हैं। और इनफैक्ट मेरे ये भी सुनने में आ रहा है कि उस लड़के की वालिदा जो है उनकी बहुत सीरियस कंडीशन है और अपने बेटे की जो मौत है उसका उन्हें डेफिनेटली वालदा है उनको बेहद सदमा है। तो मैं समझती हूँ कि इसको नेशनल लेवल पे ही बैन होना चाहिए। ये हमारी कोई सकाफत का हिस्सा नहीं है पतंगबाजी और ना ही ये मैं समझती हूँ कि कोई इसको इतना यहाँ पे प्रमोट किया जाना चाहिए। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और इसको उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए और इस पर तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी फेडरल लेवल पे इस पर सख्त से सख्त रद्दअमल लेना चाहिए। ऐसे सजाएं रखनी चाहिए कि जो पतंगबाजी करने वाले हैं या जो कि पतंग ये डोर जानलेवा डोर बनाने वाले हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आप सब भी इस पे जरूर अपनी राय का इजहार करें और जहां तक हो सके इसकी जो रोकथाम है उसके लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।